भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे जी सर, और भारत रत्न का तो अब हो ही गया। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे हैं इसको किया जाए किया जाए किया जाए, तो अंत में अभी अब अंत में कल स्थान में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। कर्पूरी जी के बाद जो अति पिछड़ों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए तो उन्हीं की प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी, हम अपने भाई को ही शुरू से ही आसरी केंद्र में मंत्री रहे, अब अभी राज्यसभा में है, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे हैं जी, जिसका नाम रखा गया है कर्पूरी ग्राम। जी हां, यहां कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक छोटा सा लाइब्रेरी और संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और देखिए वीडियो तस्वीर में किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के शान में तारीफें की हैं, प्रशंसाएं की है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आज जो सपना है भारत सरकार ने पूरा कर दिया है। दरअसल भारत रत्न देने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार की भी काफी तारीफ कर रहे थे। जरा सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार बोल रहे हैं। 2007 से लगातार करते रहे, आगे नहीं बढ़े, हर साल करते रहे। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे हैं इसको किया जाए किया जाए किया जाए, तो अंत में अभी अब अंत में कल स्थान में उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज़्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा अति पिछड़ा अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके को और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया, और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया था। अब बाद में जो इतना बड़ा बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया और बात हुआ, और कितना हम लोगों को मानते थे और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था हम लोग बड़ी तारीफ करते थे, जब उन्होंने पिछड़ा सबका जो काम किया पहली बार, देश में पहला है जिन्होंने इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया, और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया, तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। और आप सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अब आप समझ लीजिए कि देश भर में उनका नाम है, और हम लोग लगातार बोलते रहते हैं, हम बिहार में इतना दिन से जो काम कर रहे हैं आपको, अच्छा सब हम काम कर रहे हैं, हर समय हम प्रतिदिन बोलते हैं, तो उनका जितना भी काम है उनको उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। जननायक के नाम पर यूनिवर्सिटी भी खोला जाएगा क्या? कि जब से उनका निधन हुआ तब से ही उसी समय से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कराया है, भूलिएगा मत, भारत रत्न के लिए सर, ये सब चुके हैं। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे जी सर, और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है कल रात में हुआ, तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात है कि इतना दिन से किया यूनिवर्सिटी भी सियासी गलियारे से अब दूसरी खबर आ रही है। मेरा मानना है सर कि कर्पूरी जी के बाद आप दूसरे नेता जो अति पिछड़ों के लिए किए हैं, तो ये सम्मान जो मिला है उस पर और क्या कहना चाहेंगे? कर्पूरी जी के बाद जो अति पिछड़ों के सामाजिक अनुसंधान के लिए आपने किया है, हम काम कर ही रहे, तो उन्हीं की प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी, हम अपने भाई को ही शुरू से ही आसरी केंद्र में मंत्री रहे, अब अभी राज्यसभा में है, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है, तो इनका भी काम सब होते हैं। तो अभी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना है, कर्पूरी ग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को याद किया है, किस तरीके से उनके
मेहनत, उनके संघर्ष, उनके कुर्बानियों को भी याद किया है। साथ ही साथ भारत रत्न को लेकर केंद्र सरकार की भी तारीफ की है। इस मौके पर कई पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को याद की है और भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। तो आपने इस वीडियो को देखा है, आप अपनी राय जो रखते हैं हमें कमेंट ग्रुप में जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।